दो दर्जन मुख्यमंत्रियों ने मटकी में ऊंट घुसा डाला, जो पूंछ बची उसे डीएम साहब ने मूंछ का बाल बना डाला। मित्रों, मैं तो अनपढ़ हूं और ऊपर से सीखने लग गया हूं कविता बनाना। गौर कीजिएगा, जैसी बने वैसी सुनिएगा, गौर कीजिएगा। मेरे गांव में बदबू ज्यादा है, मैं अपना गांव देख रहा था, मेरे गांव में बदबू ज्यादा है, सच है तालाब नहा डाला, संसद भी पीछे नहीं गुरु, गंगा में डाका कर डाला। मैं तो अपना गांव ही देख रहा था कि मेरे गांव में बदबू ज्यादा है, मगर संसद भी पीछे नहीं गुरु, गंगा में डाका कर डाला। अनपढ़ हूँ, माफ कीजिएगा, हास्य है, हास्य समझे जाए। मेरे गांव में बदबू ज्यादा है, जैसे तालाब नहा डाला, संसद भी पीछे नहीं गुरु, गंगा में डाका कर डाला। यमुना तेरा सीवर क्या कहने, यमुना तेरा सीवर क्या कहने, केमिकल है बदबू वाला, कागज की गुंडागर्दी ने जैसे कहीं स्वर्ग बसा डाला। ये हाल है, गौर कीजिएगा। दो दर्जन मुख्यमंत्रियों ने मटकी में ऊंट घुसा डाला, जो पूंछ बची उसे डीएम साहब ने मूंछ का बाल बना डाला। गौर कीजिएगा, ये हाल है। अद्भुत है बेड़ा अफसर का, क्या हाल है हम लोगों का, अद्भुत है बेड़ा अफसर का, लत्ते का सांप बना डाला, जितना भी दीन मलीन दिखा, सब कागज में निपटा डाला। गौर कीजिएगा, आप सब हमसे ज्यादा जानते हैं, समझते हैं, भुगतते हैं, मैं तो अनपढ़ हूँ और एक कविता बनाना सीख रहा हूँ, गौर कीजिएगा। अद्भुत है बेड़ा अफसर का, लत्ते का सांप बना डाला, जितना भी दीन मलीन दिखा, सब कागज में निपटा डाला। मित्रों, एक बात तो मैं सच्चाई से कहूंगा कि अगर इस शासन में बदलाव नहीं हुआ तो ये जनता का दुर्भाग्य ही है, क्योंकि इस समय हमारा मुखिया आप सब जानते हैं, इसलिए कहना पड़ रहा है कि अगर इस शासन में भी हम सड़क छाप रहे तो फिर आगे भगवान ही मालिक है। अद्भुत है बेड़ा अफसर का, लत्ते का सांप बना डाला, जितना भी दीन मलीन दिखा, सब कागज में निपटा डाला। ब्याज कमाने की खातिर सरकारी बजट सड़ा डाला, बैंकें गोदाम बनी सो बनी, योजना का नरक बना डाला। कम लोग जानते हैं मित्रों, 100 करोड़ नगर निगम में अगर है, 10 करोड़ ऐसी जगह पड़ा रहेगा, साल भर में 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, अधिकारी ट्रांसफर करा के चला जाएगा निकाल के किसी से, जो भी है सामने है। अद्भुत है बेड़ा अफसर का, लत्ते का सांप बना डाला, जितना भी दीन मलीन दिखा, सब कागज में निपटा डाला। कागज क्या हाल है, ब्याज कमाने की खातिर सरकारी बजट सड़ा डाला, बैंकें गोदाम बनी सो बनी, कोई और ही देख रहा है बैंकों को, बैंकें गोदाम बनी सो बनी, योजना का नरक बना डाला। जब चली कलम तो खूब चली, और गौर कीजिएगा, जब चली कलम तो खूब चली, जिंदा भी मुर्दा लिख डाला, भूखे को राशन नहीं मिला, मुर्दा को खूब खिला डाला। चिल्लपोए खत्म ही नहीं होती है मित्रों, जब चली कलम तो खूब चली, मुर्दा जिंदा भी मुर्दा लिख डाला, वो भी अधिकारी धन्य हुआ, जिसने सब कफन बेच डाला। जय हो। मित्रों, बात मुर्दे की आई तो गौर कीजिएगा, हम भी कम नहीं है, गौर कीजिएगा। मुर्दा वाहन तेरे क्या कहने, मुर्दा वाहन तेरे क्या कहने, कोई मरा तो धंधा कर डाला, वरना होली क्या दिवाली, दिन भर कोसा मरने वाला। मित्रों, कम लोग जानते हैं, लाश ढोने वाला वाहन लाइन में लगा इंतजार कर रहा है, वहां भी उसी को दिया जाता है काम जो कमीशन देगा, माफ कीजिएगा। मुर्दा वाहन तेरे क्या कहने, कोई मरा तो धंधा कर डाला,
वरना होली क्या दिवाली, दिन भर कोसा मरने वाला। लाश भी आप समझ गए होगे, गौर कीजिएगा। कोस रहे हो बुरी नजर, अब मैं खुद पर ले रहा हूं, कोस रहे हो बुरी नजर, कहते हो तेरा मुंह काला, नेता और बाबा कब देखे, सब चीर हरण करवा डाला। कोस रहे हो बुरी नजर, कहते हो तेरा मुंह काला, नेता और बाबा कब देखे, सब चीर हरण करवा डाला। मंत्रियों की तौंदे निकल पड़ी, गौर कीजिएगा, मंत्रियों की तौंदे निकल पड़ी, कुर्ते का अलग मकड़ जाला, सज गई रास लीला ने तो इनको बेशर्म बना डाला। गौर कीजिएगा, मंत्रियों की तौंदे निकल पड़ी, कुर्ते का अलग मकड़ जाला, सज गई रास लीला ने तो सबको बेशर्म बना डाला। अनपढ़ हूं, कविता बनाना सीख रहा हूं मित्रों, गौर कीजिएगा। मुझे पता है आपको सही नहीं लगेगी, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। अब गौर कीजिएगा, मंत्रियों की तौंदे निकल पड़ी, कुर्ते का अलग मकड़ जाला, सज गई रास लीला ने तो इनको बेशर्म बना डाला। बात आई बेशर्मी की, तो मित्रों कैसे, सुनो। अब मंत्री जी चले कहीं गांव में, मंत्री जी चले तो बोले, कौन मंत्री जी, एक झौवा भर, झौवा भर मंत्रालय इनके गले में पड़े हैं एक मंत्री के, और चले कहाँ, गांव में। जैसे ही निकले बोले, अम्मा दो चार पत्रकार बुलाओ। अब गया फोन मीडिया को, गौर कीजिएगा मित्रों, मीडिया को फोन पहुंचा, अब हांफते कांपते पहुंचे चार पत्रकार, तमंचे का वजन अलग से, तमंचा मतलब कैमरे, बड़े बड़े लंबे चौड़े, हांफते कांपते पहुंचे चार पत्रकार, भाई मंत्री जी का फोन है, तमंचे का वजन अलग से। मित्रों गांव में आपको कभी मीडिया नहीं नजर आएगी, कभी आपने सुना है कि कोई पत्रकार गया, हालांकि आज भी हमारे यशवंत राणा साहब हैं, जब भी दौरा करते हैं, जब भी कोई खुलासा करते हैं तो लोग देखते हैं, रवीश जी हैं, प्रतीक भी शुरुआत करने लग गए हैं थोड़ी बहुत, हालांकि जैसी उन्हें जानकारी है, अब जैसी जानकारी है वो आपको रोज के रोज दिख रहा है, लेकिन हाँ शुरुआत होने लग गई है। वो तो एक अलग चीज है कि जानकारी कितनी है, वो एक अलग चीज है। फिर क्या हुआ, तमंचे का वजन अलग, अब फिर क्या हुआ, लश्कर पहुंचा गांव में, सारा लश्कर तामझाम गांव पहुंच गया, वहां देखा एक तालाब में भैंसें भी नहा रही, पानी भी पी रही, और वहीं महिलाओं का दल पानी भर रहा है उसी तालाब में, जिसमें भैंसें नहा रही पी रही पानी, उसी तालाब में महिला दल भर भर बाल्टा पानी ढो रहा है। अब किसी पत्रकार ने कह दिया चुपके से, साहब महिलाएं पानी ढो रही हैं तालाब से, इस गांव में क्यों आ गई, चुपके से कहा ताकि कोई और न सुन ले। अब तो मंत्री जी बिगड़ गए, मंत्री जी बिगड़ गए, गौर कीजिएगा मित्रों क्या हुआ, पूछा, बोले इनके आदमी बुलाओ, इनके आदमी बुलाओ, महिलाएं पानी ढो रही हैं तालाब से, सर पर लाद कर बाल्टा लादे हैं, मटकी लादे हैं, इनके आदमी बुलाओ। भैया बुलाए गए आदमी, उनसे पूछा, अब वो खड़े हो गए हाथ जोड़ के, पूछा ये बताओ महिलाएं पानी ढो रही, तुम किस काम के हो, क्या कर रहे हो। आदमी बोले, साहब स्वावलंबी योजना मजबूत हो रही है, अपने बूते पर खड़ी हो जाएं, आपने ही घोषणा की थी, और साथ में महिलाओं की भागीदारी है, अब वो भागीदारी निभा रही है, साहब इसमें अब हमारी चलती नहीं। मंत्री जी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, अरे ये तो बहुत अच्छे गांव में आ गए, यहाँ योजनाएं मजबूत हैं। अच्छा लेकिन मंत्री जी ने क्या कहा, लो तरकस से एक तीर निकाला और मार दिया वहीं पर उसी गांव में, कहा लो महिलाओं को अब 2 साल बाद पानी निकलेगा जमीन से, और उन्हें अब बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। तो ये एक योजना एक नई चालू कर दी मंत्री जी ने,
क्योंकि उनके पास एक दर्जन मंत्रालय गले में टंगे हैं, जो चीज चाहे वही कर दिया उन्होंने। अब जमीन से 2 साल बाद पानी निकलेगा, घर घर में पानी पहुंचेगा। अब जैसे ही एक योजना चालू करी, अब डीएम साहब को फोन गया। अब डीएम साहब को जब फोन गया, डीएम साहब जी, अरे मैं मंत्री बोल रहा हूँ। जी सर, जी सर, जी सर, यहाँ आइए। अरे साहब, 2 चंदन के पेड़ आए हमारे परिसर में, 52 बीघा का मेरा घर है और 2 चंदन के पेड़ हैं। मैं सोच रहा हूँ इनको कटवा के और बेड बनवाऊंगा और दरवाजे भी बनवाऊंगा, तो थोड़ा समय मिल जाए। अरे नहीं, यहाँ आओ, यहाँ जरूरी है काम। वो तो किसी को बोल दो, चुपके से काटना, कहीं किसी को पता न चल जाए, पेड़ कटे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक। अब डीएम साहब भागे, तब तक एसपी साहब को फोन गया। एसपी साहब बोले, साहब एक पड़ोस में बलात्कार हो गया है, मैं वो केस रजिस्टर्ड कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो केस रजिस्टर्ड करना इतना जरूरी नहीं है, पहले यहाँ आओ। अब एसपी साहब पहुँच गए। एसपी साहब क्यों पहुँच गए? अब लग गए पत्रकार फोटो खींचने लगे। अब पत्रकार लग गए फोटो खींचने, योजनाएं चालू हो गई। उसमें एक योजना तो तुरंत ही चालू कर दी, पानी वाली। अब खींची फोटो, कोई सामने से फोटो खींच रहा, कोई पीछे से खींच रहा, कोई ऊपर से खींच रहा, तो कोई लुढ़क के पत्रकार एक नीचे से फोटो खींचने लग गया। अब पूरी तामझाम तैयार हो गई। अब मंत्री जी बोले, अब तो सब ठीक है, अब चलें। तब तक बाल्टा लिए महिलाएं पहुंच गईं, बोले साहब मैंने सुना है आप पानी दे रहे हो। अब तो मंत्री जी बोले, अभी क्यों आ गईं? 2 साल बाद पानी खुद निकलेगा और पानी आपके घर में पहुंच जाएगा। तब तक आदमी बोला, अब महिलाएं तो चुप रह गईं बेचारी, वो क्या बोले। तब तक आदमी बोल पड़ा, साहब ओला हमारे गांव में पड़ा है, नुकसान हो गया, फसल बर्बाद हो गई, हमें मुआवजा नहीं मिला। अब मंत्री बोले, तुम तो जिंदा हो, तुम्हें सरकारी लाभ कैसे मिल सकता है? जाओ तहसील में, मैं फोन कर देता हूँ, मुर्दा प्रमाण बनवा लो, तुम्हें सरकारी योजना का लाभ मिल जाएगा। अब तो उसे बहुत अच्छा लगा, उसने मुर्दा प्रमाण जाकर बनवा लिया। पीछे से मंत्री जी ने अपने एक कार्यकर्ता जी से कह दिया, इसका खेत कितना है? कहीं 1 बीघा, कहीं अपने नाम करा लो। कहीं साहब झगड़ा शुरू हो जाएगा, अरे ये तो मरा हुआ है, ये कहाँ कुछ कह पाएगा। अरे वो तो बहुत ही अच्छा तरीका मिला कार्यकर्ता को, इतना अच्छा तरीका मिला कि वो गए सरकारी योजना का लाभ ले लिया। तो कार्यकर्ता ने उनका 1 बीघा जो खेत था वो अपने नाम करा लिया। अब 1 बीघा खेत उनके नाम करा लिया। अब जब पता चला तो वो शिकायत लेके पहुंचा मंत्री जी के पास। तो मंत्री जी ने कहा, तुम तो मरे हो, तुम क्यों आए? अरे साहब मेरा खेत ले लिया है। कहीं नहीं नहीं, वो खेत ले लिया ले लिया, तुम्हें बचना है तो चुपचाप रहो। बट ठीक। तो मित्रों गौर कीजिएगा, क्या हाल है हमारा। मेरे गांव में बदबू ज्यादा है, जैसे तालाब नहा डाला, संसद भी पीछे नहीं गुरु, गंगा में डाका कर डाला। ये सब हो ही रहा था, तब तक क्या हुआ, विपक्ष को पता चल गया कि अरे मंत्री ने एक योजना चालू कर दी, अब उन्हें भी मालूम है, तो वो होने लग गई भिड़ंत। अब क्या हुआ, 2 बैलों का जोड़ा जो लड़ गयो रे, गजब भयो जीना नरक भयो रे। मित्रों मित्रों गौर कीजिएगा, आप सब भी हंस रहे होगे मुझे मालूम है, क्योंकि हम अनपढ़ आदमी है, मुझे आता कुछ नहीं है। सुनो, अब 2 बैलों की लड़ाई में जनता पिसने लग गई, पिस तो पहले से ही रही है, गौर करें। 2 बैलों की जोड़ी जो लड़ गई रे, गजब भयो जीना नरक भयो रे। यही नहीं, गौर कीजिएगा, फिर से गौर कीजिएगा, मेरे गांव में बदबू ज्यादा है, जैसे तालाब नहा डाला, संसद भी पीछे नहीं गुरु, गंगा में डाका कर डाला। मित्रों आज एक चीज कहूंगा, जितनी बुरी हालत हमारे पत्रकारों की है ना, और जो हमने कर रखी है, शायद ही है, पहले मैं
कह दूं, क्योंकि अब पत्रकारिता की बात आई, हम सब भी उसी में हैं। क्या है कि मोदी बोले, अमित शाह, कल ऐसा दिन आ जाएगा पत्रकार पौआ मांगे, नेता बोतल पकड़ाएगा। ये हाल हो जाएगा, पत्रकार पौआ मांगे, नेता बोतल पकड़ाएगा। लोकतंत्र का चौथा खंभा इतना बुरा बसाएगा, लोकतंत्र का चौथा खंभा इतना बुरा बसाएगा, आजादी से अब तक जितना नाम किया धुल जाएगा। इंद्रधनुष निकला जिस दिन, इंद्रधनुष निकला जिस दिन, सारा चैनल पगलाएगा, अंधे गांव ऊंट घुसे आया इसी तरह चिल्लाएगा। मित्रों, इतना भी बुरा नहीं है, माफ करिएगा, मैं तो अनपढ़ हूं। हैं आज भी लोग हैं, आज भी हैं, मंत्री भी हैं, शासक भी हैं, अफसर भी हैं, मीडिया भी हैं, जिनके भूते ये देश चल रहा है, वरना कुछ का कुछ होता। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं तो अनपढ़ हूं, जैसी कह पा रहा हूं वैसी सुनिएगा। मेरे गांव में बदबू ज्यादा है जैसे तालाब नहा डाला, संसद भी पीछे नहीं गुरु, गंगा में डाका कर डाला। यमुना तेरा सीवर क्या कहने, केमिकल है बदबू वाला, कागज की गुंडागर्दी ने जैसे कहीं स्वर्ग बना डाला। दो दर्जन मुख्यमंत्रियों ने मटके में ऊंट घुसा डाला, सभी को पता है मित्रों, दो दर्जन मुख्यमंत्रियों ने मटकी में ऊंट घुसा डाला, जो पूंछ बची उसे डीएम साहब ने मूंछ का बाल बना डाला। अभी मैंने बताया था डीएम साहब और एसएसपी साहब का क्या हाल है, 36 योजनाओं पे लदे हैं डीएम साहब, कहां क्या हो रहा मालूम कुछ नहीं, साइन करते करते पसीना निकल जाता है मित्रों। कामयाब कोई भी, आज हमारे देश में एक भी गांव अगर ऐसा दिखा दिया जाए जिसमें हमारी सरकारी सभी योजनाओं का लाभ पिछले 10 साल से मिला है, तो आप खुद समझ जाएंगे। लेकिन है क्या, दो दर्जन मुख्यमंत्रियों ने मटकी में ऊंट घुसा डाला, जो पूंछ बची उसे डीएम साहब ने मूंछ का बाल बना डाला। अद्भुत है बेड़ा अफसर का, लत्ते का सांप बना डाला, जितना भी दीन मलिन दिखा सब कागज में निपटा डाला। ब्याज कमाने की खातिर सरकारी बजट सड़ा डाला, बैंकें गोदाम बनी सो बनी, योजना का नरक बना डाला। आज हमारी योजनाएं मिलाई जाए, जमीन मिलाई जाए, मित्रों ये हाल है देश का। ब्याज कमाने की खातिर सरकारी बजट सड़ा डाला, बैंकें गोदाम बनी सो बनी, योजना का नरक बना डाला। आज मोदी जी में काबिलियत है और खासी, आज दुनिया में हमारा देश अच्छा खासा चर्चा में है, अच्छा खासा कामयाब हो रहा है। चीन जैसे देश को जवाब मिल रहा है, पाकिस्तान जैसे देश को, पाकिस्तान चीन खराब नहीं है, लेकिन है क्या, वहां भी लदे हैं, वहां भी ऐसे ही लदे हैं लोग। हालत क्या है जनता की, चाहे वहां हो चाहे यहां हो, बुरा हाल है। ब्याज कमाने की खातिर सरकारी बजट सड़ा डाला, बैंकें गोदाम बनी सो बनी, योजना का नरक बना डाला। मित्रों कोई शक नहीं है कि मोदी जी में काबिलियत है, मगर ये अफसोस ही है कि किसी एक गांव का भी अगर हकीकत सामने आ जाए तो सारी आंखें खुल भी जाएंगी और हमारी तो आंखें पीतल हो जाएंगी। जब चली कलम तो खूब चली, जिंदा भी मुर्दा लिख डाला, वो भी अधिकारी धन्य हुआ जिसने सब कफन बेच डाला। और कीजिएगा, जब चली कलम तो खूब चली, जिंदा भी मुर्दा लिख डाला, भूखे को राशन नहीं मिला, मुर्दा को खूब खिला डाला। लाखों टन खाद्यान्न है, जब तक वो सड़ नहीं जाएगा बारिश में, और दारू के माफिया को जब तक खुश नहीं कर दिया जाएगा तब तक होने वाला कुछ नहीं है। मित्रों भूखे को राशन नहीं मिला, मुर्दा को खूब खिला डाला। हम भी कम नहीं है, मुर्दा वाहन तेरे क्या कहने,
कोई मरा तो धंधा कर डाला, वरना होली क्या दिवाली, दिन भर कोसा मरने वाला। यहाँ भी झोल, अब कोस रहे हो बुरी नजर, ट्रक पे लिखा देखते होगे, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। किसका मुंह काला? पढ़ने वाला। कोस रहे हो बुरी नजर, कहते हो तेरा मुंह काला, वो सही लिखा उसने वहां पर कि मुझे देख रहा है, मैं उल्टा सीधा चल रहा हूँ, दारू पी के चल रहा हूँ, मुझे देख रहा है। कोस रहे हो बुरी नजर, कहते हो तेरा मुंह काला, नेता और बाबा देख गुरु, सब चीर हरण करवा डाला। मंत्रियों की तोंदे निकल पड़ी, कुर्ते का अलग मकड़ जाला, सज गई रास लीला ने तो इनको बेशर्म बना डाला। विपक्ष भी मित्रों ऐसी आवाज कभी नहीं करेगा जिसमें जनता का कुछ लाभ हो। कहीं गौर कीजिएगा, पता ही नहीं है, इतना छुपाते छुपाते इतना, आज हमारी चमड़ी मित्रों इतनी मोटी हो गई है, हमारी खाल जो है ना बहुत मोटी हो गई है, इतनी मोटी हो गई है। मंत्रियों की तोंदे निकल पड़ी, कुर्ते का अलग मकड़ जाला, सज गई रास लीला ने तो किनको बेशर्म बना डाला। अब आप समझ गए होंगे मित्रों, समस्या टीम से शैलेश सिंह नमस्कार।